नमस्कार, मैं प्रियांशा चतुर्वेदी, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर आप सभी का स्वागत। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक इमोशनल स्टोरी वायरल हो रही, जहां एक वायरल पोस्ट में कैंसर से जिंदगी की जंग लड़ रही एक वृद्ध महिला ने अपनी आखिरी इच्छा में कुछ और नहीं बल्कि अपने फेवरेट एक्टर शाहरुख खान से मुलाकात की इच्छा जताई है। अब उस खबर पर अपडेट ये है कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने उनकी इस विश को पूरा कर दिया। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली 60 साल की शिवानी चक्रवर्ती की, जो कि एक कैंसर पेशेंट। शाहरुख खान ने इनका पोस्ट वायरल होने के कुछ ही समय बाद शिवानी से वीडियो कॉल के जरिए वर्चुअल मीटिंग की है। इस कॉल से जुड़ी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। तस्वीर में एक तरफ शिवानी अपनी बेटी के साथ खड़ी नजर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान दिखाई दे रहे। शिवानी के घर की दीवार पर सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान की तस्वीरें नजर आ रही और बाकी शाहरुख खान की फिल्म के पोस्टर हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक इस मीटिंग में शाहरुख खान और शिवानी के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत चली। इस दौरान शाहरुख खान ने उनके हाथ की फिश करी खाने का वादा किया। शिवानी की बेटी प्रिया ने इस कॉल के बारे में बताते हुए कहा कि वीडियो कॉल पर शाहरुख ने उनकी माँ के जल्द स्वस्थ होने की दुआ पढ़ी और कहा कि वो उनके कोलकाता वाले घर में जरूर आएंगे, लेकिन इसके लिए शाहरुख खान ने एक शर्त भी रखी कि वो वहां आकर फिश करी खाएंगे जो कि बिना हड्डियों वाली होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि शाहरुख खान ने शिवानी से उनकी बीमारी को लेकर आर्थिक मदद करने का भी वादा किया। इसी के साथ शाहरुख ने शिवानी से उनकी बेटी की शादी में आने का भी वादा किया। बहरहाल इस खबर को सुनकर फैंस अपने फेवरेट एक्टर की सराहना करते हुए नहीं थक रहे। बात करें शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की, तो इस साल 100 करोड़ पार वाली फिल्म पठान के बाद अब शाहरुख खान जवान और इटली जैसी फिल्मों के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। दिसंबर में शाहरुख की फिल्म डंकी रिलीज होने वाली है। इसके अलावा शाहरुख खान सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में भी नजर आने वाले हैं। कुछ दिनों पहले सलमान खान ने अपने फैंस को ये बताकर परेशान कर दिया था कि टाइगर 3 के सेट पर उन्हें चोट लग गई। इस खबर के साथ साथ उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की थी, जिसे देखने के बाद उनके फैंस काफी परेशान हो गए थे। अब इसके बाद भाईजान की नई पोस्ट सामने आई है, जिसमें वो बीच पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद फैंस की जान में जान आई है। बता दें सलमान खान की ये फिल्म इसी साल नवंबर में रिलीज होने वाली। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स।